सा आता है माउंट त्रिशूल, सबसे ऊंचा लंबा नुकीला जो पीक है इसका नाम है माउंट त्रिशूल। नाम है बरमताल टॉप। बस आप तो अपनी गर्दन रोटेट करनी है चारों तरफ। सामने जो स्टोन वाला टॉप है इसका नाम है जातुरा पानी टॉप। जातुरा पानी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके नीचे से देखो, इसके ये वाली रिज जो पीछे नीचे आ रही है वो रेड कलर का जो है ग्रास, वहाँ पे पानी आता था, पानी आता है अभी, और नाला है, और वो नाला नीचे जाते 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 पूरे सोन पट्टी को पानी सप्लाई करता है। तो जब हमारी कैंपसाइट पहले ब्रह्मताल में होती थी, हम समिट करते थे जातुरा पानी को 12,500 फीट से ऊपर समिट करते थे। ये 12,250, ठीक है। तो उसके बाद सामने पीछे देखो रॉकी पैच, जो सामने ये पीछे रॉक है इसका नाम है खमीरा टॉप। यहाँ जाने के लिए एक और कैंप लगता है जातुरा पानी के पास। यहाँ से हम एक दिन और वहाँ जाते हैं। आपको ये बता दूँ, यहाँ से एक पास भी होता है नीचे वाण विलेज में। हम लोग यहाँ से जाते हैं आगे, ये देखो सामने ये ट्रेल जा रही है, ये ट्रेल जा रही है, ये सबका नाम है तिलबुड़ी। के बाद यहाँ नीचे वाड़ के बाद गाड़ी में यहाँ से लोहाजंग, और सामने देखो ये है लोहाजंग बेस कैंप वैली में, आजम टॉप के बगल में यहाँ नीचे वैली जहाँ से हम लोग आए हैं, ये है लोहाजंग बेस कैंप, ठीक है। ये जो गाँव है हिंदुस्तान का आखिरी गाँव है वाड़, इस साइड से इस गांव का नाम वाण है, इससे आगे कोई विलेज नहीं है, ये लास्ट विलेज है। ये नीचे जो गांव आप लोगों को दिख रहा है ये है दिदना, ठीक हो गया, दिदना विलेज। अब देखो माउंटेन्स पे सामने नजर डालो, सामने जो पीक दिख रही है, इस पीक का नाम ऊंची सबसे बड़ी जो पीक है ऊपर उसका नाम है नीलकंठ, ठीक हो गया। ये नीलकंठ पीक है, और नीलकंठ के बाद आप लोगों को दिख रही है कॉमेट। नीलकंठ की हाइट है 7,000 मीटर, उसके बाद कॉमेट, और देखो हाँ जो धुआं निकल रहा है उसके पीछे ना चौखंबे के चार खंबे हैं, तो यहाँ से दो ही खंबे दिखते हैं, चौखंबा, ठीक है, चौखंबा माणा मंदिर उसी के बगल में, ठीक है। ये देखो माणा पीक दिख रही है इधर से ऊंची लंबी सबसे ऊंची है, ये इधर वाली जो ऊंची सबसे है ये माणा, सामने मंदिर, पीछे सरस्वती, ओके, ठीक हो गया। कॉमेट कौन सा है दिखा, कॉमेट ये पीछे दिख रहा है नीलकंठ के बगल में, कॉमेट यहाँ से हल्का सा दिख रहा है। सो कॉमेट इज सेकंड हाईएस्ट प्रोमिनेंट पीक इन इंडिया आफ्टर नंदा देवी, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इधर देखो हाथी घोड़ा, ये हाथी और घोड़ा शेप में है ना, तो ये हाथी घोड़ा है जो फ्लैट है ऊपर से, फ्लैट है जो वही है, तीखा नहीं है, जो फ्लैट है ना जी, जो फ्लैट है हाथी घोड़ा। हाथी घोड़ा के बाद स्वर्गारोहणी बुग्याल, स्वर्गारोहणी मिडू, उसके बाद आते हैं सामने नंदा घूंघटी। ये जो सामने है ये घूंघट है माता नंदा देवी का, पार्वती जी का घूंघट है, भोलेनाथ की वाइफ का, तो इसीलिए इसको घूंघट शेप में है, इसीलिए इसको कहते हैं माउंट नंदा घूंघटी। 6,309 मीटर, 6,309 मीटर, यानी कि 21,000 फीट। तो दिस पर्टिकुलर पीक, ये पीक जो है इसको पहले लोग सोचते थे यही नंदा देवी है, लेकिन ये इसके पीछे आता है नंदा देवी, मतलब ये कवर करता है गुंगटी, मतलब समझते हैं ना, यस गुंगट, इसीलिए उसको। उसके बीच में जो आप लोगों को दो पीक दिख रही है इसका नाम है बैतारथोली, 6,200 मीटर, 21,000 फीट, 21,000 फीट। आता है माउंट त्रिशूल, सबसे ऊंचा लंबा नुकीला जो पीक है इसका नाम है माउंट त्रिशूल, 7,120 मीटर, 7,120 मीटर। और इसके बाद इसी के बगल में त्रिशूल टू हमारे राइट में है, जो त्रिशूल टू, अब इसको त्रिशूल इसलिए कहते हैं ये बैक साइड से त्रिशूल शेप में दिखता है,
और इसका त्रिशूल 3 पीछे हो जाता है, ठीक है। कौसानी से ये 3 शेप में दिखता है, त्रिशूल जैसे दिखता है, ऐसे मतलब पूरा त्रिशूल की शेप में कौसानी से। उसके बाद त्रिशूल 2 के बाद आते हैं मृगथुनी पे 6000 मीटर मृगथुनी पीक। मृगथुनी के बाद आते हैं उसी लाइन में उधर देवतोली पे जो छोटी सी पीक है देवतोली। अब देवतोली के पास जो लंबी रिज जा रही है और जहाँ खत्म हो रही है पॉइंट बन रहा है ऐसा, ठीक है, उसका नाम है बैपतोली 6000 मीटर से ऊपर। उसके बाद आते इसी रिज में सामने थारकोट माउंट थारकोट 6081 मीटर, ये माउंट थारकोट है व्हाइट वाला नुकीला। उसके बाद टेंट पीक आदन पीक सब 5.5 की हाइट की है। और लास्ट कोने में आती है माउंट भनोटी, भनोटी की हाइट है 5922 मीटर। उसके बाद आप उसी रेंज में देखो ये पक्षी भूगल का रेंज है, मतलब कुमाऊं रेंज जिसको कहते हैं। और उसके बाद सामने देखो बीच में एक पीक दिख रही है, इस पीक का नाम है जेटी बहुरानी और ये नेपाल में है, नेपाल की पीक। और उसी के बगल में अप्पी भी दिख रही है, अप्पी नीचे पिंपा भी दिख रही है, तो ये नेपाल हो गया। अब सुनो ये देखो त्रिशूल से बैपतोली तक आता है गढ़वा रेंज, उसके बाद आता है कुमाऊं रेंज उत्तराखंड में जो है गढ़वा और नेपाल। तो यहाँ से नेपाल है 300 किलोमीटर, यहाँ से आप नेपाल लग गया, ठीक हो गया। इधर आप आ जाते हैं माणा रेंज पे, माणा के बाद लग जाता है बद्रीनाथ धाम, इसी के जस्ट नीचे है बद्रीनाथ, और उसके बाद पीछे लग जाता है तिब्बत चाइना। तो यहाँ से यही कोई 300 मीटर पे चाइना भी है, और पहले यहाँ से इंडियन और चाइना वालों का बिजनेस होता था और वो लोग हमें देते थे नमक और हमारे दादा लोग उनको देते थे बदले में आलू और गेहूँ, ठीक है। तो वो बिजनेस होता था नीति माणा दर्रे से, और वो दर्रा अभी बंद हो गया, दर्रा मतलब होल सुरंग, ठीक है, वो दर्रा अभी बंद हो चुका है। और बाकी बताया था बेसिकली लोहाजंग से 3 ट्रैक स्टार्ट होते हैं, पहला बगजी भुग्याल, दूसरा ब्रह्मताल, तीसरा रूपकुंड। और अभी एक गांव है उस गांव का नाम है सवाड़ गांव, वो जनसंख्या की दृष्टि से देवाल ब्लॉक का सबसे बड़ा गांव है, शहीदों का गांव माना जाता है वो, और शहीद मेला लगता है वहां पे। तो वहीं से उसका बेस कैंप स्टार्ट होता है सवाड़ से, पहला बेस कैंप सवाड़ जैसे लोहाजंग है। सेकेंड देखो ऊपर जो फ्लैट मिटो है खेरूगाड़ा सेकेंड कैंप साइट, और थर्ड कैंप साइट नवाली में उसी के नीचे लगती है, और समिट होता है सामने फील्ड, ये बड़ा मिडो दिख रहा है ऊपर फ्लैट सा स्नो वाला, वो है बगजी भुग्याल समिट बगजी भुग्याल। नीचे आते हैं खेत इसी के नीचे, और वहीं से रूट से डायरेक्ट काठगोदाम ऋषिकेश देहरादून, समझ गए। और ब्रह्मताल का ये है दूसरा, उसी टाइम में आता है आपका रूपकुंड। रूपकुंड काफी अच्छा ट्रैक है, मतलब एक अल्टीमेट ट्रैक है उसमें, मतलब अपने आप में काफ़ी खूबसूरती है, वो संजोए बैठा है और बहुत पहले से चलता है वो, पता नहीं कब से चलता है हमारे दादा लोगों के टाइम से, और उस पर पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। रूपकुंड जो ट्रैक है उस पर ना सबसे पहले बात क्या होती है, एक नंदा देवी लोकजात यात्रा चलती है, नंदा देवी राजजात कहते हैं उसको, वो चलती है कर्णप्रयाग, सुना है कर्णप्रयाग रास्ते में आया होगा, कर्णप्रयाग देवप्रयाग, तो कर्णप्रयाग से शुरू होती है और होमकुंड रोंटी सेटल में खत्म होती है। तो वो पता है क्या है, वर्ल्ड की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, 280 किलोमीटर 280 किलोमीटर की यात्रा है, और लोग नंगे पांव करते हैं कर्णप्रयाग से रोंटी सेटल तक, और आइस में कर्णप्रयाग में टेम्परेचर रहता है +40, और जब यात्रा लास्ट जाती है शुरू दिन जब टेम्परेचर रहता है +40, और जब लास्ट में यात्रा जाती है जहाँ पे खत्म होती है शिव जी के घर पे रोंटी सेटल में, तब टेम्परेचर रहता है -40, तो लोग नंगे पांव चलते हैं ग्लेशियर पे, हर 12 साल में एक बार चलती है, और दुनिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा है मां नंदा देवी राजजात, तो वो इसी ट्रैक पे चलती है रूपकुंड।